हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन टू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल वेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का कॉल लॉग ओपन करना है, ठीक है। ये जो कॉल लॉग होता है, इसमें सबसे ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन टैप करना है। अब इसमें सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे नीचे कॉलिंग अकाउंट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपको नीचे एडिशनल सेटिंग पे टैप करना है, तो आपका ये पेज और रीडिंग सेटिंग होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे तो देखिए, अब आपको यहाँ पे कॉल वेटिंग का ऑप्शन है, इसके सामने जो बटन है इसे टैप करके ऑन करना है। तो इस बटन को टैप करेंगे तो आपका जो पेज है वो आपका इस तरीके से अपडेट होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और वेट करना है, ठीक है। तो देखिए, कॉल वेटिंग के सामने वाला बटन ये ऑन हो चुका है, यानी कि ये सेटिंग जो हमारी कॉल वेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाती है। अभी इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉल वेटिंग के नीचे लिखा हुआ भी है, ड्यूरिंग ए कॉल नोटिफाई मी ऑफ इनकमिंग कॉल। तो देखिए, यहाँ पर जब कभी आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी दूसरे पर्सन से ऑलरेडी बात कर रहे हैं कॉलिंग पे, तो अगर कोई मान लीजिए आपको कोई तीसरा पर्सन कॉल करता है ना, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो तीसरे पर्सन का मोबाइल नंबर दिखाई देगा, यानी इनकमिंग कॉल आती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपका जो पहले वाला कॉल है वो कट नहीं होगा, ठीक है ना। और जो तीसरा पर्सन होगा उसको ये सुनाई देगा कि अभी वो किसी दूसरे फोन पर बिजी है, ठीक है ना। तो एक कॉल वेटिंग जो है इस तरीके से काम करती है इनेबल करने के बाद।